वीबीटी ठीक है तो वीबीटी थ्योरी हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट हमने देखी है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, मिक्स होते हैं, बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी ज्योमेट्री हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ये कॉन्सेप्ट जैसी थ्योरेटिकल या एज्यूम करने वाली कॉन्सेप्ट है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब वो बताता ही नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हम अगर देखना चाहें तो वो मॉलिक्यूल वहां पे बसते नजर आते ही नहीं, मतलब ये कैसा है, थ्योरेटिकल बेस कॉन्सेप्ट आती है। कौन सी? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में दो चीजें हम लोग देखते हैं, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे मिक्स होते हैं और जो उनका मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर बी प्रैक्टिकल अगर देखना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड यूज करके उसको डिटरमाइन या डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ना? ये अज्यूम करने वाली कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो उसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वाली थ्योरी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन पे ही बेस्ड होती है, लेकिन ये क्या करता है कि अलग अलग पॉस्टुलेट्स या पॉइंट्स के ऊपर में ये वाली थ्योरी क्या करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिपेंड करती है। तो वो पॉइंट हमें वन बाय वन एक एक चेक करते चलना है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है? तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स देखेंगे पहले, ठीक है? तो लिखो स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन वीबीटी, वीबीटी स्टेट्स इन्वॉल्व्ड इन वीबीटी, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वीबीटी के अंदर में वो देखना है, ठीक है? ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में हम लोग देखते हैं कि बी ऑर्बिटल के लिए वो क्या करता है, शेप्स तो बताता है, ज्योमेट्री बताता है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से वो हम लोगों को, है ना, उसके अंदर में वो बताता ही नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड क्या होती है कि जिसके अंदर में मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता चलता है। अगर तो हाइब्रिडाइजेशन बताता तो है, लेकिन प्रूव करके बताओ नहीं बता ऐसे। तो इसलिए वीबीटी सीरीज थ्योरी देखते हैं हम लोग वीबीटी। तो उसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट लिखो मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल, मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेटल आयन क्या प्रोवाइड करते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब फ्री होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ, किसके साथ बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं, मेटल आयन्स, लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं विथ लिगैंड्स। नेक्स्ट वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अलोंग विथ एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन SNP orbitals of the metal ion take part in hybridization। मतलब यहां पे दो चीजें समझ में आई कि पहले तो क्या होता है कि मेटल आयन्स क्या प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर में मेटल आयन्स के अंदर में डी ऑर्बिटल क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो वो डी
एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा बेटा, लिगेंड्स के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो हम है ना एक दो चार छह कितने भी है ना पांच ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या करते हैं मेटल के साथ में लिगेंड्स को है ना फॉर्म करते हैं। तो वो क्यों पॉसिबल है, डी ऑर्बिटल के वैकेंट होने से वो सारी चीजें पॉसिबल होती है। अच्छा दूसरी चीज क्या बताता है, इसके अंदर में जो डी वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो उसी शेल में जो एस और पी होते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, कंबाइन होते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन भी वही बताता है। ठीक है ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, नेक्स्ट द नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड डोनर्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स, लिगेंड डोनर एटम्स, लिगेंड डोनर एटम्स सराउंडिंग द मेटल आयन, सराउंडिंग द मेटल आयन, आयन आयन विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, विच इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो यहां पे क्या बता सकते हैं, देखो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू इसके बराबर होगी बेटा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, करेक्ट ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल है ना, जितने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिड पता है ना आपको, एक होता है हाइब्रिड कब बनते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेल क्या हो जाता है, सब सेल्स क्या हो जाते हैं, ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन होकर फिर से क्या होते हैं, रिकास्ट होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे हाइब्रिड किसको बनेंगे, देखो जैसे मानो कि कार्बन के अंदर में जैसे इनर में दो जाएंगे, आउटर में कितने आएंगे, सेकेंड में ये दो है ना, ये वाला 1s, ये 2s2 बराबर ना, और यहाँ पे पी में कितने जाएंगे, तीन आते हैं बराबर ना। तो यहाँ पे अगर से देखें तो ये होता है ग्राउंड स्टेट, यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा कहां पे, 2pz में है ना, ये 2py1, फिर 2px क्या रहेगा 1 बराबर ना, x में एक आ गया, y में एक आ गया, वैकेंट कहां पे, p में, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां पे चला जाता है, 2p में। तो ये होता है ये ग्राउंड स्टेट, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होगा तो इसको कहते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, अभी यहाँ पे कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे बराबर। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है ना ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्या हो गए, मिक्स हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे जब ये मिक्सिंग होती है तो ये जो ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं इनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या बोलते हैं इसको, और हाइब्रिड बराबर ना। अब यहाँ पे 2s की एनर्जी हमें पता है कि 2s की एनर्जी डिफरेंट होगी और 2p की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट, इसका शेप डिफरेंट होगा, इसका भी शेप डिफरेंट होगा, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ तब उनका शेप और एनर्जी दोनों ही क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ये कहता है हाइब्रिडाइजेशन बराबर। तो ये वाले बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना इज इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप कोऑर्डिनेशन नंबर हम सॉलिड स्टेट में भी देख चुके हैं कि कोई अगर से सॉलिड अगर से मॉलिक्यूल अगर से है ना, तो उसके अंदर में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सेंटर वाला जो स्पीयर होता है उसके सराउंडिंग में जितने स्पीयर उसको क्या करते हैं, टच करते हैं है ना, उसके कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर।
जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी कहते हैं, है ना। तो एचसीपी के अंदर में क्या होता है, सेंट्रल में जो एटम होता है ना उसके साइड में क्या होते हैं, छह आते हैं, है ना, छह आते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिक्स, निकाला है देखा हुआ है, ठीक। तो ये कौन होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्री, है ना, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्री, दैट इज बीपीडी। चलो नेक्स्ट, ओवरलैप बिटवीन द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओवरलैप बिटवीन द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बिटवीन द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड फिल द ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगैंड leads to the formation of metal ligand coordinate bond leads to the formation of metal ligand coordinate bond, ठीक। अब यहां पे देखो कि सेंट्रल मेटल आयन जो होता है ना, सेंट्रल मेटल जो होता है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है ना नहीं होते, है ना, वो क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कैप अभी बैठने के लिए जगह है, लेकिन लिगैंड्स में क्या होता है, फुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फुल होते हैं, बराबर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा रहेंगे तभी जाके कोई क्या करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, है ना। और हम तो कहावत कहते हैं, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा, है ना, मतलब जिसके पास में है ही नहीं तो दूसरे को क्या देगा। तो लिगैंड्स के पास में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहां पे प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल मेटल आयन को, बराबर ना। तो वहां पे वैकेंट रहेंगे मेटल के पास, मेटल के पास ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, वैकेंट होंगे। और लिगैंड्स के पास कैसे होंगे, कंप्लीटली फुली फिल्ड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लिगैंड्स क्या करेंगे, मेटल को देंगे, तब जाके मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखिए वो the hybrid orbitals used by the metal ion point in the direction of the ligand. जहां से इलेक्ट्रॉन मिलने की जगह है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन लिगैंड ले सकते हैं, तो उस डायरेक्शन में मेटल आयन क्या करता है, उसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसको उस डायरेक्शन में भेजता है, बराबर। तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, तो उसी जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा वही डायरेक्शन क्या होगी उसकी डिसाइड करेगी, ठीक है, ठीक है, शेप निकलेगा उसका, ठीक है। चलो आगे, n-d orbitals used in hybridization allow the complexes to be classified as small a, है ना, उसका भी दो टाइप देखेंगे हम लोग,
कौन से होते हैं? एक होता है आउटर, स्मॉल ए लिखो आउटर ऑर्बिटल, और बी क्या लिखेंगे बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ओके ठीक। चलो नेक्स्ट, दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया कि एन माइनस वन कहां भी यूज करते हैं, डी सीरीज के लिए। नेक्स्ट, फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एन डी ऑर्बिटल्स आर यूज। आउटर के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज करेंगे? एन डी ऑर्बिटल, है ना। और इनर के लिए क्या यूज करेंगे बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या यूज करेंगे बोलो? दो लिखे हैं, एक तो एन माइनस वन डी लिखा और एक क्या लिखा? एन डी, बराबर ना। तो आउटर के लिए क्या यूज किया हमने? हाँ, एन डी यूज किया, बराबर ना। तो इनर के लिए क्या यूज करेंगे? इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए एन माइनस वन डी लिखो, एन माइनस वन डी ऑर्बिटल्स आर यूज, आर यूज। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, तो उसी पे से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं बोलो? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी ज्योमेट्री जान सकते हैं। जैसे sp3d2 अगर चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा वाला है ना? हाइब्रिडाइजेशन टाइप कौन सा? sp3d2, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, d2sp3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी ज्योमेट्री निकालते हैं। तो ज्योमेट्री क्या होगी sp3d2 की? ऑक्टाहेड्रल, याद रहना चाहिए, याद रखिए, एग्जाम करीब आ रहे हैं, सारी चीजें इतना आसान है नहीं। sp3d2, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग शोज, है ना, शोज कभी ऐसे दिया जाता है और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शोज ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन टाइप, कौन शो करेगा ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन का टाइप? तो ये क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल क्या आएगा? sp3d2, है ना। अगर जो कभी कभी पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन टाइप, तो देखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें आती है ना। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखा हमने, कौन सा? वीवीटी के स्टेप्स में, तो क्या इनर ऑर्बिटल्स के लिए कौन सा यूज करते हैं बोलो? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कौन सा ऑर्बिटल्स यूज करते हैं लोग? nm-d, n-d, और आउटर के लिए छोटी छोटी चीजें होती है, ओके। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हम लोग क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कहां पे यूज करते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये तो हमने जनरल पूरे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए हमने देखा, लेकिन अभी हमें देखना है कौन अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाते हैं, तो उसके अंदर में कौन से स्टेप्स आए, तो वो सेपरेट देखना है, ठीक है। चलो तो नीचे लिखो, मतलब मेटल लिगैंड बॉन्ड जो होते हैं, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेटल लिगैंड बॉन्डिंग, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटल लिगैंड बॉन्डिंग, ठीक है। अपन को जो स्टेप्स आएंगे वो भी देखेंगे हम लोग वन बाय वन, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं हम लोग, हमने देखा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है, किसकी? मेटल आयन की, क्या लिगैंड की निकालेंगे? किसकी निकालेंगे? मेटल आयन की निकालना पड़ता है ना। तो पहले देखो, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, मतलब कौन सा वाला मेटल? सेंटर में जो आता है, अदरवाइज एक आधा मेटल क्या होता है, बाहर साइड से भी क्या कर सकते हैं? लग सकता है, क्योंकि
मेटल की टेंडेंसी होती है ना, क्योंकि मेटल देखिए बहुत जितने ही मेटल्स हमें नजर आते हैं तो फ्री स्टेट में नहीं होते, वो कंबाइंड स्टेट में ही रहते हैं, बराबर की नहीं। बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं, फिर जाके कहीं उसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। जैसे देखा है हमने चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, बराबर ना, उसके अंदर में क्या किया जाता है, मेटल्स को क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है, ठीक है। जैसे गोल्ड को किया जाता है, गोल्ड भी क्या होता है ना, मिक्सर के फॉर्म में आता है, मिक्सर के फॉर्म में आता है, मतलब डस्ट होती है ना, डर्ट होती है ना, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, या अलग अलग मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से सिर्फ मेटल को क्या करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया है ना, या कोबाल्ट हो सकता है, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स होते हैं। अदरवाइज कंपाउंड तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्वार्टरनेट कंपाउंड को नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर में सेंटर में एक मेटल नजर आता है, और मानो कहीं पे और एक है ना, एक आध मोल कहीं पे चिटक के रह गया तो वो भी आता है, तो वहां पे यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंटर मेटल आयन की केस में देख रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सेंटर मेटल आयन का निकालना है, ठीक है। चलो पहले क्या लिखा, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल आयन, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट सेकेंड वाला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल ऑफ मेटल आयन, इसका निकाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेटल आयन है ना, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे मेटल आयन में, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड सी द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, और सी द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन, लो स्पिन और हाई स्पिन, लो स्पिन और हाई स्पिन, विच इज एप्लीकेबल टू, इसके लिए एप्लीकेबल होगा, विच इज एप्लीकेबल टू, एप्लीकेबल टू ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ 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 डी फोर एंड डी एट, डी फोर टू क्यू टू पर डी फोर टू डी एट ऐसे लिखना है, अदरवाइज डी फोर लिखेंगे ऐसे, डी फोर टू डी एट है ना, इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं हम लोग डी ऑर्बिटल में, डी फोर टू डी एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी फोर से लेके कहां तक आता है, डी एट तक आता है, तो वही क्या करते हैं ऑक्टाहेड्रल है ना ज्योमेट्री बताते हैं, तो उसी के केस में देखना है, ठीक है, हाई स्पिन और लो स्पिन। कितना टाइम है हमारे पास, हो गया, ठीक है, रुकते हैं फिर।